अस्सलाम वालेकुम. सो आई एम बैक विद दोस थ्री थिंग्स दैट हेल्प मी एज अ बिगनर इन माई फ्रीलांस कैरियर. और मैं आप लोगों को भी एडवाइस करूँगी अगर यू वॉन्ट टू अप्लाई इट इन योर लाइफ और इन योर कैरियर, सो यू कैन गो अहेड. ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई डिडंट वेट फॉर एनी ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी. बेस्ट अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि कोई हाई पेइंग या ड्रीम अपॉर्चुनिटी का मैंने वेट नहीं किया. दिल तो बहुत करता है कि बहुत अच्छी जॉब मिले आपको, फर्स्ट जॉब हो जो हो, लेकिन जो भी जॉब मिल रही है अवेल इट अभी, जैसे भी, मतलब चाहे उसकी सैलरी आपको कम है या कोई उस तरह के ब्रांड्स नहीं है जिसमें आप जान चाह रहे हो, लेकिन हर वो अपॉर्चुनिटी बेस्ट है जो जिसको अवेल कर लिया जाए. अब हुआ ये कि जो मेरी जहाँ जॉब हुई दैट वॉज सेमी फॉर्मल, उसमें एम्बेलिशमेंट और अड्डे का काम और एम्ब्रॉयडरी वगैरह थी. और अब मेरा कैरियर टोटली प्रिंट डिज़ाइन का है, सब उस पैटर्न डिज़ाइनर में. लेकिन उस टाइम जो मुझे लोग मिले, जो पूरी लर्निंग थी, अभी तक मुझे याद है. अभी तक उधर से जो कलर कॉम्बिनेशन की सेंस आई, जो बेसिक नॉलेज मिली फैब्रिकेशन की, हर चीज़ की, वो सारी चीज़ें मेरे साथ अभी तक हैं. हालांकि प्रैक्टिकली मेरे कैरियर में अभी उनका कोई काम नहीं है सच, लेकिन अब बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जॉब्स ही नहीं मिल रही विदाउट एनी एक्सपीरियंस. आपको फ्रेश ग्रेजुएट्स को बहुत मुश्किल से जॉब मिल रही है. तो उसका यही हल है कि अगर आपको कोई इंटर्नशिप मिल रही है तो अवेल दैट अपॉर्चुनिटी, और उस पर्टिकुलर टाइम को ज़ाया ना करो, कोई ईजी ना लो. अगर इवन स्टूडेंट लाइफ में भी जो आप इंटर्नशिप करते हो, वो उसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जस्ट गो चिल, लाइक मतलब खैर है समर का टाइम है, हम इंटर्नशिप कर रहे हैं, बस ठीक है. लेकिन उसमें आप जितने आपके कोलीग्स हैं ना, उन सबका मैक्सिमम एक्सपीरियंस आप लोग गेन करो उस चीज़ से, और फिर जब आप फर्दर अपने इंटरव्यू दो किसी जॉब के लिए, तो आप उनको मेक श्योर करो कि हाँ जी, हमारा बेशक एक्सपीरियंस उस तरह का नहीं है एज अ जॉब वाला सीन, लेकिन हमें इंडस्ट्री का सारा कुछ पता है और हमारा पोर्टफोलियो भी उसी तरह है. पोर्टफोलियो की मैंने लास्ट टाइम बात की है. अब तुम पोर्टफोलियो स्ट्रांग बनाओ, बार बार प्रैक्टिस करके मैच्योर करो, और अगर पोर्टफोलियो अच्छा होगा और इनसाइट्स पता होंगी इंडस्ट्री की, लोगों का एक्सपीरियंस है, आप लोगों को भी पता होगा क्या करना है, तो आप लोगों को जॉब मिल जाए. ओके, सो द अदर थिंग दैट आई डिड वाज कि मैंने सिर्फ जॉब पे रिलाई नहीं किया. वहाँ से मैंने लर्निंग तो ली अपने सारे कोलीग्स. फर्स्ट जॉब मेरी हो गई 3 महीने की, उसके बाद आई स्विच टू डिजिटल प्रिंट डिज़ाइनर. वहाँ मैंने 1 साल जॉब की और वहाँ से मैंने मैक्सिमम मतलब प्रैक्टिस जितनी की ना, वो सारा मैंने उसी जॉब में किया, डिजिटल का काम. साथ मैंने क्या किया, आई ज्वाइन टेक्सटाइल डिज़ाइन लैब मेंबरशिप, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी है. उस कम्युनिटी से जो मुझे सीखने को मिला, ऑल दो आई वॉज़ वेरी बिजी विद माई जॉब और रूटीन वो सारा कुछ, आई कुडंट फॉलो अप एट ऑल जितना मतलब करना चाहिए था मुझे. बट अगेन जितनी मुझे चीज़ें मिली वहाँ से, लाइक अडोबी कैप्चर के बारे में आपसे बात करती हूँ, मुझे नहीं पता था इसके बारे में, पाकिस्तान में किसी को नहीं पता था. आई वॉज पायनियर हेयर इन पाकिस्तान जिसने इसको इंट्रोड्यूस कराया. देन आई एक्सप्लोर्ड इट इन माई बेस कि किस तरह से, मुझे इलस्ट्रेटर नहीं आता था. सो मुझे वो जो चीज़ मेरी अंदर कमी थी, इलस्ट्रेटर को सीख के सारा कुछ काम करने की बजाय, आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर द हैक्स कि किस तरह से मेरे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, मैं उनमें रहकर वो इलस्ट्रेटर में जो मुझे एज अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर, एज अ प्रिंट डिज़ाइनर काम करना है, वेक्टराइजेशन करनी है चीज़ों की या जो भी काम करना है, वो मैं कर सकूँ. तो वो मैंने अडोबी कैप्चर के थ्रू एक्सप्लोर की और वही चीज़ें मैं अब आप लोगों को बताती हूँ अपने कोर्सेज में, फ्री वीडियोज में, यूट्यूब पर सारा कुछ. तो कहने का ये मकसद है कि अपने आप को साथ साथ अपॉर्चुनिटीज से, कम्यूनिटीज से, डिफरेंट कम्यूनिटीज अदर देन जॉब जो आप कर रहे हो या अदर देन यूनिवर्सिटी वगैरह, और भी डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में अपने आप को इंडल्ज करो और एक्सप्लोर करो कि क्या क्या चीज़ें आप सीख सकते हो. डिफरेंट मार्केट्स को एक्सप्लोर करो, डिफरेंट, अगर आपके फ्रेंड्स का एक ग्रुप है तो किसी और फ्रेंड्स के ग्रुप में आप उनके साथ कम्युनिकेट करो, उनके साथ घूमो फिर देखो वो लोग क्या करते हैं, किस तरह से, तो मतलब अपने आप को अपग्रेड करो. जिस लेवल पे चल रहे हो ये नहीं है कि उसी पे रहना है, आप लोगों के साथ साथ सीखना है. सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट इंशाल्लाह. और जो तीसरी दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, आई स्टार्टेड पोस्टिंग माई स्टफ ऑनलाइन. और ये कब की बात है, 2014 की, जब इंस्टाग्राम बहुत नया नया आया था और इट वॉज लाइक मतलब एक बहुत और चीज़ होती थी कि आप अपना काम भी पोस्ट कर रहे हो, मतलब पोस्टिंग ऑनलाइन या पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया वॉज एन ऑड थिंग. और मुझे याद है आई यूज टू हाइड माई आइडेंटिटी, मतलब मैं अपनी क्लास असाइनमेंट्स वगैरह कभी भी पोस्ट नहीं करती थी यूनिवर्सिटी के टाइम में. मतलब 2 साल मैंने अपनी असाइनमेंट्स नहीं पोस्ट की, जो मैं पर्सनल काम करती होती थी मैं वो पोस्ट करती थी ताकि यूनिवर्सिटी में किसी को ना पता चले कि दिस इज माई अकाउंट या जो भी. सो तब से मैंने काम करना, पोस्ट करना स्टार्ट किया हुआ है और अब 2022 आ गया, मतलब 8 साल.
और उस सिर्फ पोस्टिंग की वजह से ये फ़ायदा हुआ है कि मुझे कभी ख़ुद से किसी क्लाइंट को कहना ही नहीं पड़ा. इसी वजह से शायद मुझे आज तक मौका ही नहीं मिला कि मैं फाइबर या अपवर्क पे जाकर फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि मुझे ख़ुद ही अल्हम्दुलिल्लाह रेफरेंस बेस पे या फिर कोई क्लाइंट मेरा काम देख ले अगर उसको ज़रूरत है, जैसे लिंक्डइन पे या सोशल मीडिया इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैंने कुछ पोस्ट किया तो अगर कोई क्लाइंट को काम चाहिए और उससे मैं काम देखा तो वो मुझे रीच आउट कर लेता है, कांटेक्ट कर लेते हैं. तो इस तरह से करते करते अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट सो मेनी प्रोजेक्ट्स और आहिस्ता आहिस्ता से आई ग्रो अप एज अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर. अपनी स्किल्स मेरी हर प्रोजेक्ट्स के साथ स्किल्स इंप्रूव हुई और मज़े की बात यह है कि मैंने हर प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट स्टार्ट में मैं सिर्फ अपैरल का करती थी, अब मैं अपने प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट करती हूँ तो मेरी लर्निंग उस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा होती है. टेक्निक्स डिफरेंट यूज़ करती हूँ, डिजिटल प्रिंट है लेकिन उसमें भी जो टेक्निक्स यूज़ करनी है या जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली डिफरेंट है. तो मतलब आई एम एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ इवन टूडे, जिसमें मुझे लर्निंग के मेरे लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं या मैं उनको अवेल कर रही हूँ. सो दीज वर दोज थ्री थिंग्स दैट हेल्प मी बहुत ज़्यादा इन माई करियर. लेकिन मैं आप लोगों के साथ वो तीन चीज़ें भी शेयर करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे करियर को बहुत स्लो किया, मुझे उस लेवल पे पहुँचने में काफ़ी देर लगी जिस लेवल पे अब मैं हूँ. अपने कॉन्फिडेंस के लेवल पे कह लो, अपने स्किल के लेवल पे कह लो, शायद मैं बहुत अर्सा पहले हो जाती. अब देखो जैसे हिंड्रेंस है, आई हैव अ डॉटर एंड आई हैव टू लुक आफ्टर हर, मतलब उसके हिसाब से मुझे अपने प्रोजेक्ट्स लेने पड़ते हैं. सो व्हेन आई हैड टाइम तब मैं शायद ये सारी चीज़ें, अगर जो जिस लेवल पे अब हूँ मैं, हो सकता है उस लेवल पे तब होती अगर मैं वो गलतियाँ ना करती. तो इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू नो दैट एज वेल लेट मी नो, आई विल पोस्ट द वीडियो ऑन यूट्यूब. सी यू गाइज.